आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑर्बिटो फ्रंटल ट्यूमर्स के बारे में, मतलब ब्रेन के भेजे के जो ट्यूमर है, गठान जो आती है और गठान से जो मानसिक प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग हमारे पास में पेशेंट बन के आते हैं जिनको लक्षण मानसिक रहते हैं, उनको कुछ पागल माना जाता है या ऐसे कोई लक्षण है कि जिसमें वो इनअप्रोप्रिएट है और फिर उसको इसलिए हमारे पास में लाया जाता है। मैं अभी देखता हूँ एक 55 साल का आदमी मेरे पास में लाया, बोले कि वो उसका मतलब उसके लक्षण जो उन्होंने बताया रिलेटिव्स ने कि भाई वो आजकल बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। मतलब आजकल कब से? बोले 5-6 महीने हो गए चिड़चिड़ापन है। फिर उसकी भावना अस्थिर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, कभी रो लेगा, है ना, कभी एकदम चुपचाप गुमसुम बैठेगा, मतलब ऐसी भावना अस्थिर है। फिर एकदम इम्पल्सिवली बात करता है, ऐसा आवेग से कुछ तो भी बात कर लेगा, ऐसा जोर से एकदम कुछ तो भी बात कर लेगा। फिर उसको ये मालूम नहीं कि अपने को कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं कि इनसाइट नहीं है। फिर वो जोक्स ऐसे मारेगा कि जो एकदम ऐसे चिल्लर है, बच्चे जैसे जोक्स मारते वैसा जोक्स मारेगा। फिर समाज के अनुरूप उसका बर्ताव नहीं है, या फिर बच्चों के साथ में कोई लैंगिक हाथ लगाना या ऐसा कुछ तो भी बर्ताव करना बच्चों के साथ में, या फिर कभी ऐसी बहुत ही चिल्लर वस्तुओं की चोरी करना कि जो ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसके लिए उसने चोरी करना चाहिए करके। तो ऐसे लक्षण उनमें दिखे कि छोटी छोटी वस्तुओं की चोरी कर लेना, ऐसा कुछ तो भी पेन उठा लेगा, कोई पेंसिल उठा लेगा, है ना, बच्चों के साथ में कोई लैंगिक ये करेगा, या फिर उसको सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेव करेगा, मतलब कभी वो अपना लिंग बता देगा किसको, या कपड़ों का भान नहीं रहेगा कभी कभी, या फिर कहीं भी पेशाब को बैठ जाएगा सबके सामने, ऐसा उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो उसको लाया तो मैंने देखा सब, मतलब भाई कब से कर रहा है? बोले 5-6 महीने हो गए। बोला देखते, तो जब देखा तो उसको ऐसा मुझे लगा कि भाई कुछ टेस्ट में जैसा उसको वार कौन सा है ये फट से बोलते नहीं आ रहा था, अभी समय कौन सा है वो बोलते नहीं आ रहा था उसको कि समय कौन सा है। फिर मैंने उसको पूछा कि इनके नाम क्या है रिलेटिव्स के, तो बोल सकता था नाम मगर थोड़ा टाइम लेता था, रिएक्शन टाइम ज़्यादा था उसका। फिर बोले थोड़ा थोड़ा उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको याद नहीं है। तो मैंने यार ये तो मुझे लगता है कि ब्रेन ट्यूमर का ही प्रॉब्लम दिख रहा है, आप देखो ये क्या होता है, तो ब्रेन ट्यूमर जैसा हो सकता है, तो आप ऐसा करो उसका सीटी स्कैन निकालो। तो बोले नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, अभी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। मतलब भाई ऐसा मत करो, आप अभी 5-6 महीने से आप तो दवाई ले रहे गांव में इधर उधर, अभी आप सिटी स्कैन निकालो तो मालूम पड़ेगा क्या है। तो सिटी स्कैन के लिए उनको भेजा और सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया जो है कॉर्टेक्स का, वहाँ ट्यूमर, मतलब आँख के पीछे वाली जो बाजू है फ्रंटल साइड, सामने वाली जगह जो है ब्रेन की, वहाँ ट्यूमर उसको दिखा। और वो ट्यूमर धीरे 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 बढ़ रहा था, इसलिए वो 5-6 महीने से उसको ऐसे लक्षण दिखे। फिर मैंने बोला कि भाई आप जरा सोचो उसको कभी ऐसा बेहोश गिर गया था क्या? बोले हाँ एक बार वो थोड़ा सा बेहोश हो गया था 2-4 मिनट के लिए। फिर वो एक एक जैसे लक्षण पूछते गया मैं, तो फिर और लक्षण बताते गए वो। फिर बोला भाई इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन के लायक केस है इसका, कुछ नहीं 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 आप कुछ ना कुछ दवाई दे दो, है ना। उनको वो गहराई नहीं मालूम हो रही थी कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करेगा तो जान बचेगी, बोले दवाई से फायदा नहीं होने, बोले तो पागल है बाकी कुछ नहीं, वो ट्यूमर आप दवाई दे दो बैठ जाएंगे। बोले ऐसा नहीं, उसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स ब्रेन के हैं कि जो जिनका लक्षण दिखता है कि वो मानसिक है मगर रहते वो ब्रेन के ट्यूमर, तो इसमें ध्यान से देखना पड़ता है और उनका सीटी स्कैन या MRI करके उसमें मालूम पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और वैसा उसका इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।